आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो है एक ऐसे टीचर की जिसने आज़ादी के बाद पहली पीढ़ी को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया और उनको पढ़ाया। उनका नाम है नीरज सक्सेना और ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की। कहानी शुरुआत करने से पहले आप एक छोटा सा वीडियो देख सकते हैं। मेरा नाम नीरज सक्सेना है। मैं शासकीय प्राथमिक शाला सालेगढ़, विकासखंड वाली, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। वहाँ पर मेरी पदस्थापना हुई 2009 में 6 नवंबर को। तब से मैं आज तक वहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। शिक्षा के बगैर कुछ नहीं हुआ। ये थे हमारे नीरज सक्सेना, जिनकी पोस्टिंग 2009 के अंदर शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अंदर होती है और ये तब से लेकर अब तक बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं स्कूल में जाने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। आप देख सकते हैं, ये है नीरज सक्सेना, जिनके हाथ में राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया मेडल है। इनको 2022 में 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है, 2022 में इनको मेडल से सम्मानित किया गया था। ये कहते हैं कि जब इनको मेडल दिया जा रहा था और स्टेज के ऊपर इनका नाम अनाउंस हुआ था, तब इनको अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये पिक्चर देख सकते हैं जिसमें नीरज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें वो बैलगाड़ी के ऊपर किताब की बोरी लेके जा रहे हैं स्कूल की तरफ, क्योंकि घर से स्कूल जाने के लिए पक्की सड़क नहीं होने की वजह किताबों को ले जाने के लिए बैलगाड़ी ही काम में ली जा रही है। तो ये वीडियो काफी वायरल हुआ था जो आपको फोटो में दिख रहा है। साथ में वो डेली 100 किलोमीटर अपने घर से स्कूल तक बाइक के ऊपर जाते हैं, पथरीले रास्तों और कीचड़ से सने कपड़ों के अंदर। चार भाई बहनों में एक अकेली ऐसी लड़की है जो पहली बार स्कूल जा रही है, और जब इसको इसके परिवार वालों से नीरज सक्सेना मिले और कहा कि बच्चियों को भी पढ़ाना चाहिए, तो उनके परिवार का कहना था कि फिर इसके भाई को कौन रखेगा। आज भी बच्चियों को कई ऐसे इलाके हैं जिनमें पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। नीरज सक्सेना उसको समझा रहे हैं कि पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है, तो ये नीरज सक्सेना की बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ये देखिए नीरज सक्सेना का परिवार है जिसमें उसका भाई और भाभी, माँ और उनकी वाइफ बैठे हैं एक जगह। नीरज सक्सेना एक तस्वीर में आदिवासी परिवार को समझाते हुए कि हर रोज इस तरह ही बच्चों को स्कूल भेजें ताकि बच्चे आगे पढ़कर एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकें और अच्छे भविष्य के लिए पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये ऐसे समझाते हुए यानी कि उनको प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। एक बच्चा एक्टिविटी के दौरान पोएम सुना रहा है, ठीक है, एक्टिविटी के साथ पोएम सुना रहा है, और नीरज का जो पढ़ाने का जो तरीका है वो इस एक्टिविटी के माध्यम से उनको पढ़ाई करवाई जाती है। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है, रुचि पैदा होती है पढ़ने के प्रति, और वो डेली स्कूल आने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये नीरज सक्सेना का बहुत बड़ा योगदान है देश को आगे बढ़ाने में। देश को आगे बढ़ाने में साथ साथ राज्य को, जब कोई जगह आगे बढ़ेगी फिर जिला, फिर राज्य, और फिर वो बढ़ता है देश, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर देश का फ्यूचर बनने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर एक हैडपम्प है, कई किलोमीटर तक केवल एक ही हैडपम्प है और पानी लाने के लिए दिन भर मशक्कत करनी पड़ती है, और छोटे बच्चों और लड़कियों को पानी लाने और ले जाने के लिए ही रखा जाता है, इसलिए उनको स्कूल नहीं भेजा जाता है, क्योंकि पानी भी एक मूलभूत आवश्यकता के अंदर है। और आप ये देखिए कि आज भी 21वीं सदी के अंदर भी जहाँ टेक्नोलॉजी 6G और 5G के ऊपर चल रही है, और 6G की बात चल रही है, मोदी जी ने तो 6G का अनाउंस प्लान भी अनाउंस कर दिया है, उस दौर में भी कई जगह ऐसी हैं, कई जिले ऐसे हैं और कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर बिजली भी नहीं आती है। अब देख सकते हैं पानी के लिए कितने किलोमीटर आज भी लोगों को चलना पड़ता है, तो ये सरकार की नाकामी आप कह सकते हैं। इसलिए नीरज सक्सेना की कहानी जो मैंने आपके सामने रखी, तो ऐसी ही और कहानी मैं आपके सामने लाऊंगा।